नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्रेय शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी सी अलग, लेकिन आम इंसानों की, जो हमारे एक एक हिंदुस्तानी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि कल रात में मैं जब घर जा रहा था तो मैंने महसूस किया कि इस बात को मैं आज सत्यमेव जयते में आपसे ज़रूर साझा करूँगा, शेयर करूँगा। कल मैं जब रात में अपने घर जा रहा था इस कार्यक्रम के बाद, तो गाड़ी निकली बहुत तेज़ी से और उसमें गाना चल रहा था बहुत ज़ोर से कि दिल्ली की सर्दी, आपने सुना भी होगा, और बड़ी मस्ती से सब लोग चले जा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी साइड में फुटपाथ पर। वो फुटपाथ ठिठुरता सा फुटपाथ था और उस पर बुत बने, या कहें पत्थर की तरह बने लोग सीधे बैठे हुए आग ताप रहे थे। तो मुझे लगा कि एक सर्दी वो है जो बड़े लोग एंजॉय करते हैं, और एक सर्दी ये है जो जान बचाने के लिए लोग आग ताप रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि इनके पास घर क्यों नहीं है, अभी तक बेघर क्यों हैं, इनकी किस्मत ऐसी क्यों है, बहुत सारे सवाल आए। लेकिन इन सवालों के जवाब इतने अजीबोगरीब तरीके से थे, फिर आध्यात्मिक थे, फिर प्रैक्टिकल थे, बहुत सारे आए। लेकिन मुझे लगा कि फौरी राहत इन लोगों को क्या मिल सकती है, तो मुझे लगा कि इनको कम से कम हम लोगों को कंबल ज़रूर देने चाहिए। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ा तो लोग सो रहे थे, ठिठुर रहे थे, लोग पन्नी ओढ़े हुए थे। आप सोचिए, इस खुले आसमान में सर्दी में आपको अगर एक दिन पन्नी ओढ़ के सोने को कह दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। और होता भी यही है ज़िंदगी में, जब हम अगर कोई कठिनाई भरा, अपना स्ट्रगल भरा सफ़र सुनाते हैं तो हम बताते हैं कि एक रात मैं बाहर रहा था। लेकिन आप उन लोगों की बात, उन लोगों का दर्द महसूस कीजिए जिनको रोज़ रात वहीं पर सोना है, वहीं पर सुबह उठना है। और ये अनगिनत रातें हैं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली रातें हैं, जो शायद उनकी ज़िंदगी के सूरज ढलने के साथ ही डूबती हों। तो ऐसे में मुझे लगा कि आपसे एक गुजारिश करूँ, एक रिक्वेस्ट करूँ कि इस बार आप सर्दी में जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, आप कम से कम एक कंबल, दो कंबल, जहां दिखे अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो 10 दे सकता है 10 दे, और किसी को दिखावा करके नहीं, बल्कि वो कंबल चुपचाप जाए और उड़ा के आ जाए। वो दुआएं मिलेंगी, और वो सच्ची दुआएं मिलेंगी, जो दिल से संवेदना वाली दुआएं होती हैं वो असर भी बहुत करती हैं। इस निगेटिविटी वाली दुनिया में अगर कोई आपको सच्ची दुआ देता है तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आप सिर्फ महसूस करके देखिएगा, और ये काम इस बार ज़रूर कीजिएगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो। वो उन गरीबों को जिनके पास एक चद्दर, एक कंबल नहीं है, उनको एक कंबल मुहैया करा दीजिएगा। आपको दुआएं देंगे, और सच्ची दुआएं देंगे, और जब सच किसी के दिल से निकलता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होता है। लखनऊ विधानसभा में पहले दिन नहीं हो सका काम, विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे सदन में, सभापति हुए नाराज। क्या हमारे नेता अब तक शालीन नहीं हो पाए हैं? क्यों हमारे टैक्स के पैसों पर चलने वाली विधानसभा को करते हैं बाधित? महाराजगंज के 33 गांव हुए थे खुले में शौच फ्री, लेकिन भारत समाचार के रियलिटी टेस्ट में सच्चाई कुछ और। आज भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, 16 करोड़ खर्च करने के बाद कागजों में कर दिया इन गांवों को ODF, भ्रष्टाचार में टॉयलेट। सत्यमेव जयते।
यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले विपक्ष ने अपनी मंशा जता दी थी कि वो सदन नहीं चलने देगा, शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलना है। पहले ही दिन विपक्ष ने जिस तरह से हाथों में बैनर और पोस्टर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया, चेयरपर्सन ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन विपक्षी दल वेल में घुसकर प्रदर्शन करते रहे। दरअसल विपक्षी बढ़ी हुई बिजली दरों से बिफरे हुए थे और यूपी कोका को लेकर हंगामे पर उतारू थे। यही हाल विधान परिषद का था। दोनों सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते कल तक के लिए स्थगित हो गई। अब मैं आपको इस खबर के बाद विधानसभा अध्यक्ष की वो तकरीर सुनाना चाहता हूं जब उन्होंने हंगामे के दौरान कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सबको आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष क्यों नाराज थे और उन्होंने नियम का हवाला देते हुए क्या कहा। आप इस तरह योजना बनाकर आए हैं तब नियमावली की बात करना बेकार है। नियमावली की बात अभी हो रही थी, माननीय नेता विरोधी दल कर रहे थे 311 की बात, तो ये भी 311 में आता है क्या? कोई मार्गदर्शन करें। ये तख्ती लेकर सदन के भीतर आना ये आपत्तिजनक है, बैनर लेकर सदन के भीतर आना ये आपत्तिजनक है। तो आपने सुना कि विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित जी कह रहे हैं कि तख्ती लेकर आना नियम के विरुद्ध है और ये क्या 311 में आता है। तो उन्हीं से सवाल किया गया है और वाजिब सा सवाल है, बिल्कुल सही सवाल किया गया है कि क्या तख्ती लेकर आना, नारेबाजी करना, क्या ये नियम किस नियम के तहत आता है? क्योंकि हमारा देश का एक संविधान है और संविधान में हर चीज़ का उल्लेख किया गया है, विधानसभा है और उसकी कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को जो विधायक हैं वो उठा सकते हैं, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधानसभा हो। सवाल सबसे बड़ा मेरा यह है कि ये वक्त आपका नहीं है, ये वक्त हमारा है, यानी कि ये वक्त जनता का है और हमने आपको चुन के भेजा है इसलिए कि आप हमारी आवाज़ बने। तख्ती लेकर शोर मचाएंगे और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ये बोलेंगे कि आप ये किस नियम के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आपके लिए खड़ा कर रहे हैं, चाहे जो भी पार्टियां रही हों, जब वो विपक्ष में रहती हैं तो इस तरह की भूमिका वो क्यों निभाती हैं? क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा है, इसमें हमारी विकास की तमाम योजनाओं के जो एक मंसूबे बनाए जाते हैं, मंसूबे दिखाए जाते हैं चुनाव से पहले, वो हमारे मंसूबे आप क्यों खराब कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जब हमने आपको वोट डाला था तो आपने ये क्या कहा था कि हम विधानसभा में जाके इस तरह से हंगामा करेंगे? क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती है विधानसभा का, ये आपके हंगामे के लिए नहीं है, ये आपकी छोटी मोटी पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हमारी विकास की योजनाएं बननी चाहिए, यहाँ पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और एक नियम बना हुआ है, जैसे कि विधानसभा के बाहर कानून है, कानून अपने तरह से काम करता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उसी तरह से चलती हैं। तो विधानसभा की भी एक कार्रवाई है, उसी के मुताबिक आप क्यों नहीं चलने देते? मेरा सभी पार्टियों से सवाल है कि आप लोग को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं चलने देते आप लोग इस तरह से विधानसभा को? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है कि आप शोर मचाइए, शोरगुल मचाइए? और सरकार के लिए तो बहुत अच्छा है, आपने शोरगुल मचाया, उसके बाद तो विधानसभा स्थगित हो ही जाएगी कल तक के लिए। और अगर विधानसभा स्थगित हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, हमारा यानी जनता का होगा। तो फिर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्यों नहीं माननीय सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं? अब मैं इसकी एनालिसिस करता हूं, आपके सामने रखता हूं कि आदर्श स्थिति में सदन चलाने के लिए हर घंटे 16 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर दिन 8 घंटे सदन चलने पर। 17वीं विधानसभा में अब तक 18 दिन सदन चला, 404 प्लस 100 504 दोनों सदन के विधायक, विधान परिषद और विधानसभा, कुल मिला के जो संख्या है, 2000 रुपये हर विधायक को सदन कार्य दिवस का भत्ता मिलता है। इसमें और भी चीज़ें शामिल है, भत्ते में TADA भी शामिल है। एक दिन में 1 करोड़ रुपए सदन पर खर्च आता है, स्टेशनरी और अन्य खर्चों को छोड़कर जनता के पैसे और मुद्दों की माननीयों को चिंता नहीं है, इसको देखकर तो हमको यही लगता है। अब अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो उसके नियम क्या है? सदन की बैठक 6 महीने में एक बार ज़रूरी होनी चाहिए, अमूमन सरकार बजट मानसून शीतकालीन सत्र को बुलाती है।
एक साल में 90 दिन की बैठक सदन में जरूरी है जिसका पालन नहीं किया जाता। हंगामे से नफा नुकसान कितना है? सबसे बड़ी बात तो कोई संवेदनशील मुद्दा है उसको ये उठाने का एक प्लेटफॉर्म है, जनता की आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत मदद मिलता है। अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है तो उसको घेरने का, अपने सवालों के जरिए घेरने का, अपने तथ्यों के जरिए घेरने का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लोकतंत्र में। सरकार पर हंगामे से प्रेशर बनता है, जी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, बशर्ते मुद्दे अहम हों और सियासत से परे हों। सियासत तो होती ही है, ये पॉलिटिक्स के बाद ही वहाँ विधानसभा पहुँचते हैं, लेकिन उसमें हम आगे होने चाहिए, जिसमें हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो आगे होने चाहिए। वहाँ पार्टियों के अपने निजी हित सामने दिखते हैं। उस वक्त देश का ध्यान संबंधित मुद्दों पर जाता है अगर आप ढंग से उठाएं। ज़रूरी है कि सदन में विरोध वैधानिक तरीके से ही हो, ये हमें सबको समझना होगा। अब तमाम यंग ब्लड आ रहा है विधानसभा के अंदर, उनको भी समझना होगा। और अगर कुछ राजनीतिक करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हंगामा करने से कोई फ़ायदा होगा, तो हंगामा करने से हमारा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम जनता को जागरूक करें। और कुछ मैं और फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि अखिलेश सरकार में 2012 में 27 बैठक हुई थी, 2013 में महज 21 दिन सदन चला, 90 दिन चलना है, 27 पहले 31 ही है। आप सोचिए कि कितनी संजीदगी है सदन को चलाने को लेकर। 2014 में 24 दिन सदन की कार्रवाई हुई, 2015 में 27 दिन विधानसभा की कार्रवाई हुई, 16 में 24 दिन विधानसभा में बैठे माननीय योगी सरकार में, 2017 में अब तक 18 बैठक हो चुकी हैं, 6 बैठकें और होना बाकी हैं, यानी 22 दिसंबर तक योगी सरकार में 24 बैठकें और होंगी अगर कार्य दिवस को सबको मिला लिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 90 दिन होना आवश्यक है, लेकिन जो पुराना इतिहास है वो बता रहा है कि उसका आधा भी नहीं बैठ पाते हैं। आधा इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि इतना शोर शराबा होता है, उस शोर शराबे के बीच सदन नहीं चलता है। तो आप ये जवाब दें कि आपने जब विधानसभा में आप गए, विधानसभा में जाके जब आपने वोट मांगा, मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे वोट मांगा, तो आपने ये क्या कहा था कि हम तो शोर मचाएंगे वहाँ पर जाके, और शोर मचाएंगे और आपकी बात को उठाने से ज़्यादा है कि हम अपनी पॉलिटिक्स तय करेंगे और ये तख्तियाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि तख्तियाँ लेके जाना असंवैधानिक है। इसी विधानसभा के अंदर आपने माइक चलते देखे होंगे, एक तो मैसेज कितना खराब जाता है, दूसरा आपने गुब्बारे देखे होंगे और तरह तरह के अजीबो गरीब विरोध प्रदर्शन होते हैं जिनको हम समझ नहीं सकते कि ये हमारे लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है या अपनी पार्टियों के हितों को साधने के लिए हो रहा है। क्योंकि जब आप सदन के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप उस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ पार्टी एजेंडे पर ही सिर्फ चलने लगे, पार्टी जिस तरफ कहे वो आप काम करने लगे। आपको सबसे पहला जो दायित्व है वो दायित्व ये है कि आप सबसे पहले जनता के हैं, फिर बाद में किसी और के हैं। जनता यानी कि जनार्दन, यानी कि हमारा देश, तो देश सबसे पहले है, बाद में पार्टियां होती हैं। और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरी गुजारिश जनता से ये है और उन नए चुने हुए विधायकों से ये है कि आप लोग इस तरह का विरोध को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। इस तरह के अगर विरोध होते हैं तो सवाल पूछें अगली बार जब वो क्षेत्र में जाएं कि आपने इतना शोर क्यों मचाया, आपने इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मांगे, आपने 90 दिन सदन क्यों नहीं चलवाया। ये विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, तो इन जिम्मेदारियों को तय करना पड़ेगा और हमें सवाल करना पड़ेगा कि ये हमारे पैसे से ये सदन चलता है और हमारी मांग को उठाने के लिए आपको वहाँ भेजा गया है, तो पहले हमारी मांग उठाइए, बाद में शोर मचाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवालय से पहले शौचालय तक का नारा दिया था और उसी के तहत महाराजगंज में 33 गांवों को ODF घोषित किया गया, लेकिन जब महाराजगंज के इन ODF गांव का रियलिटी चेक किया गया तो पता चला कि गांव के 30-40% लोग अभी भी टॉयलेट के लिए खुले में जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, शौचालय के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन महाराजगंज जिले में भ्रष्टाचार का हाल बेहाल है। जिले के अब तक 33 गांव ODF को जहां घोषित करके कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है, वहीं 33 गांवों में
46,418 शौचालयों का निर्माण भी कागजों में हो गया है। 16 करोड़ 34 लाख रुपए की बंदर बांट कर ली गई। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और किस तरह से हमारी जनता को बनाया जा रहा है बेवकूफ। तो जो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हैं वो कोशिश में वो भ्रष्ट अफसर हैं जिन्होंने कागजों में सारे पुल बना देते हैं और इस तरह से वो शौचालय बनाने भी बहुत एक्सपर्ट हैं, वो कागजों में सारे काम करते हैं और जो खर्च होना चाहिए वो उनकी जेबों में जा रहा है। और सच्चाई बहुत ही कहा जाए कि इस सच्चाई को देख के दुख भी बहुत होता है और इस तरह के अधिकारियों को देख के शर्म भी बहुत आती है और उनके मानसिकता पे हंसी भी बहुत आती है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, किन लोगों का पैसा मार रहे हैं। आप अगर शौचालय और टॉयलेट का पैसा मारेंगे तो आपकी मानसिकता मुझे नहीं लगता है कि टॉयलेट से ऊपर उठेगी, आप भी उसी स्तर का सोचते होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने एक योजना को चालू किया, आप हर जगह अपना कमीशन फिक्स किए हुए हैं चाहे वो शौचालय बने चाहे ना बने। फिगर्स ये कहते हैं कि अगर 6 साल का बच्चा भी खुले में टॉयलेट कर रहा है तो वो भी ODF गांव नहीं घोषित किया जाता, लेकिन कागजों में सारे मोर्चे जीते जाते हैं, सारे मोर्चों को कहा जाता है हमने फतह कर लिया और इनाम भी ले लिया जाता है, उसी तरह की फाइलें चली जाती हैं, लेकिन होता क्या है, होता कुछ और है। और सच्चाई जो दिखती है वो बड़ी तल्ख दिखती है। यहाँ पे फिल्में बनती हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, यहाँ पर फिल्मों के जरिए हमको जगाया जाता है कि टॉयलेट कितना ज़रूरी है, लेकिन आप जागिए, जाग के आप करेंगे क्या? जहाँ पे ऐसे सरकारी अफसर बैठे हैं, भ्रष्ट सरकारी अफसर बैठे हैं, घूसखोर बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ खाने से मतलब है, और आप फिल्में दिखाते रहिए, लोग ताली बजाएंगे, ताली बजा के वो लोग अपने घर चले जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे शौचालय बनाना है, जिनकी हद में होगा वो शौचालय बना लेंगे, यानी कि जिनकी जेब अलाउ करती होगी, बाकी जो बेचारे गांव वाले हैं वो भगवान भरोसे वो फिर वहीं जाएंगे जो सदियों से परंपरा चली आ रही है। प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हम शौचालय मुक्त बनाएं, लेकिन ये अफसर उस सपने के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इन अफसरों का क्या किया जाए, इन अफसरों को किस तरह से समझाया जाए, ये आज तक बात समझ में नहीं आती। ये लोग जानवरों का पैसा खा जाते हैं, कभी चारा खा जाते हैं, मतलब पुल खा जाते हैं, सड़कें खा जाते हैं, तो आप समझिए कि इनकी भूख कितनी बड़ी है जो खत्म नहीं होती। शौचालय भी अब आप खाने लगे हैं, टॉयलेट खा जाते हैं अब आप, और फिर उसी टॉयलेट को खाने के बाद आप बताते हैं कि ये जो है ये हमने बना दिया है और इसके ज़रिए आपको ODF घोषित कर दिया जाए। तो कुछ खुद शर्म कीजिए और घर में इस बार जाइए, इस तरह के अधिकारी जो घूसखोर अधिकारी हैं वो जाएं और जाकर सोचें कि हम जो पैसा घर पे ला रहे हैं ये कमीशन वाला किसका पैसा है, बस इतना सोचिएगा, थोड़ा शर्मिंदा होइएगा और तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और थोड़ी शर्म आए तो इस गलती को पूरा करें और सरकारें भी इस तरह के अधिकारियों को बहुत कड़े से कड़ा दंड दें, चाहे उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये सिस्टम में दीमक है, ये दीमक धीरे धीरे हमारे देश को चाट रही है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की सज़ा देना, सस्पेंड करना या फिर सस्पेंशन के बाद आप चार्जशीट हो जाती है, तमाम जांच चलती रहती है, बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ़ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये देश के बड़े बड़े प्लान्स को फेल कर रहे हैं। बात करते हैं अब इस पूरे खबर पे, अगर एनालिसिस करें तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। यूपी में 31 अक्टूबर 2017 तक 78 लाख शौचालय बनेंगे, ये एक रखा गया है, प्लान रखा गया है। अक्टूबर 2018 तक यूपी ODF घोषित होगा, ये भी प्लान है। हापुड़, गाजियाबाद, शामली सहित चार शहर ODF हैं। 6 महीने में 10 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। यूपी में हर दिन 15,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं, ये दावा करा जाता है। और अगर एनालिसिस करें कि आखिर कैसा होता है एक गांव, ODF गांव का एक एक व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करता हो, सबसे पहली अगर आप भी कहीं जाएं तो आप ये देख लें, जहां ODF लिखा हो तो उसको एक बार चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हकीकत है। गांव का एक एक व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करता हो,
गांव के हर घर में शौचालय हो और उसका इस्तेमाल होता हो, 6 महीने का बच्चा भी खुले में शौच करता हो तो वो ODF गांव नहीं होगा। शौचालय मक्खी रहित होना चाहिए, शौचालय के पास ही हाथ धोने के लिए नल होना चाहिए, शौचालय के गड्ढे मानक के मुताबिक होने चाहिए, गांव में शौचालय के मैला निस्तारण का उचित इंतजाम हो, गांव के आसपास निगरानी टीम मैला ना होने का सत्यापन करेगी, लेकिन वो सत्यापन सत्यता में करेगी तब। तो ये एनालिसिस जो है, ये मैं आपको और बताता हूँ कि निगरानी की जाती है, और आपने तमाम वीडियो फुटेज भी देखे होंगे, वो निगरानी टीम जाती है, उनका झगड़ा होता है कि आप क्यों खुले में गए हैं, तो आपस में उनके बहुत ही हीट कन्वर्सेशन होता है, लेकिन हीट कन्वर्सेशन तो अलग चीज़ है, मतलब दोहरी जिम्मेदारी, एक तो उन लोगों को जगाने की और दूसरी जगाने के साथ साथ पहले तो हम गांव वालों को ये बताएं कि ये क्या ख़राब है, दूसरी बात हम ये बताएं कि ये ख़राब है लेकिन आपको शौचालय भी बनाना है। अब जब शौचालय बनाने वाले शौचालय नहीं बनाएंगे तो होगा क्या? होगा वही कि यूपी में पंचायती राज विभाग को ODF फ्री होने की जानकारी नहीं है। अपने पोर्टल पर पंचायती राज विभाग ने 2019 में ODF फ्री बताया है। ये बड़ा कड़वा सा सच है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको अभी तक ढंग से पता भी नहीं, जबकि पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2018 तक देश को ODF बनाने की बात कही थी। सीएम योगी भी दावे के मुताबिक यूपी को अक्टूबर में ODF बनाना चाहते हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग कुछ और चाहता है या उसकी उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि शौचालय किसी के घर में बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा? मंत्री जी का, नेताजी का फ़ायदा तो जहाँ होता है हम उसी डगर पे चलते हैं, उसी जगह जाते हैं, और दिखता भी यही है कि आपको जब ये नहीं पता है कि जो लाइन रखी गई है वो 2018 की रखी गई है, आपकी साइट 2019 दिखा रही है, तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। दुरुस्त करने के साथ ही साथ एक बार दौरा भी कर लें, दौरा करके जान लें कि किस तरह से आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, और जहाँ पर ये आज हमने खबर दिखाई है वहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और कार्रवाई करने के साथ साथ आप बाकी जगहों का दौरा करके प्रधानमंत्री की योजना को कम से कम ढंग से तो चला लें। केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। अब बात करते हैं यूपी के हीरो की। सीतापुर के कारोबारी मोतीलाल महावर ने अपने जीवन के पिछले 20 साल में बड़ा सराहनीय काम किया। उन्होंने साल 1992 से अपना जीवन गरीबों, असहायों और मरीजों के नाम कर दिया। वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार और गरीबों का इलाज बेहिचक खुद के पैसों से करवाते हैं। कहा जा सकता है कि इस तरह के काम से समाज की बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए रिपोर्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये फिल्मी गीत सीतापुर के इस बुजुर्ग पर बिल्कुल फिट बैठता है। इनका नाम मोतीलाल महावर है। ये पेशे से कारोबारी हैं, करोड़ों रुपए का इनका कारोबार है। ये पिछले 20 सालों से लगातार ऐसे ही लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। दलित सेवा ही निर्णायक सेवा है, मंदिर मस्जिद में सेवा नहीं होती, दलित की सेवा ही से ही भगवान की प्राप्ति होती। तब से मन ही बना लिया कि गरीबों की सेवा करें, तो हमने अस्पताल आना जाना सीखा, 2-3 साल में सीखे, उनकी दवा से मदद और वो मदद सब करा, डॉक्टर सिफारिश करना, कोई ऑपरेशन कराना, तब हम अपने आप ये काम धीरे धीरे करने लगे। बताते हैं कि 20 साल पहले इन्होंने लावारिश लाशों को नदी में बहते और जानवरों का निवाला बनते देखा तो इनसे रहा नहीं गया। उसी वक्त मन में ठान लिया अब ये किसी भी लाश को लावारिश नहीं होने देंगे। तब से मोतीलाल लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करवाते आ रहे हैं। सीतापुर में जितनी भी लावारिश लाशें बरामद होती हैं, मोतीलाल बिना किसी भेदभाव के अंतिम संस्कार करते हैं। मोतीलाल महावर अब तक 600 हिंदुओं और 46 मुस्लिमों के शवों का उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। वहाँ हम मछेटे जा रहे थे, रास्ते में रहमाबाद पुल पड़ा, वहाँ पर स्कूटर हमारा खराब हो गया तो हम बैठ के थक गए थे, तो वहाँ पर देखा 3 लाशें, कौवे चील
गिद्धनौर से रहते हैं, तभी हमने वहाँ से मन बनाया प्रभु हमको इतनी शक्ति दो कि ये लाशों का अंतिम संस्कार हम कर सकें, ये नदी में ना बहाई जाए। मोतीलाल एक संस्था भी चलाते हैं, 68 की उम्र में भी लोगों का सहारा है, लोगों की सेवा करना इनकी रग रग में है। उम्र के ऐसे पड़ाव में भी अभी इनका जज्बा कम नहीं हुआ है। सत्यमेव जयते का इनके जज्बे को सलाम, जिन्होंने समाज को राह दिखाई। सत्यमेव जयते के लिए सीतापुर से बसंत मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से बुजुर्ग होने के बावजूद इनके दिल में जज्बा है, और जिस जज्बे में हौसलों की उड़ान है, और उसी उड़ान की वजह से ये समाज का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ पर तमाम किस्से हमने देखे होंगे कि लोग अपने पिता को कांधा नहीं देने आते हैं और अपने माँ बाप को दो रोटी नहीं देते हैं, ये ज़रूरतमंदों का इलाज कराते हैं, उनको रोटी देते हैं, उनका इलाज कराते हैं। और कहीं अगर ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी को लकड़ी और चिता नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ पर भी जाके मदद करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे ही लोगों को देख के हौसला मिलता है कि इस भ्रष्ट और कहा जाए कि जो संवेदनहीन हो चुके लोग हैं, उनके बीच में इस तरह के लोग ही लोग मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से इन निगेटिव लोगों के बीच में ये जो पॉजिटिव लोग हैं, ये जो फूल खिले हुए हैं, इन्हीं की वजह से ये दुनिया चल रही है। और हम इस स्टोरी को इसलिए दिखा रहे थे आपको, क्योंकि अगर हम इस स्टोरी को दिखाएंगे तो लगता है कि ये फूल और खिलें, और फूल खिलेंगे तो महक और जगह फैलेगी, और जब महक फैलेगी तो फिर इन फूलों के खिलने का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ होगा, और ज़्यादा होगा तो जो तस्वीरें हैं, वो जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी। हमारे हिंदुस्तान, हमारे प्रदेश की बगिया में फूल खिलेंगे, और हम एक दूसरे को मदद करते हुए नज़र आएंगे, जो कि सबसे कम है। हम अपनी मदद करना चाहते हैं, हम दूसरे की मदद करना कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि हम सब लोग हमारी मदद करें। जिस दिन ये होगा कि हम दूसरों की मदद करें, तो तस्वीर एकदम बदली हुई होगी। एक लाइन मुझे याद आ रही गाने की, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ये बहुत पते की लाइन है, और ये बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप अपने मुद्दे कोई उठाना चाहते हैं या कोई मैसेज मुझे देना चाहते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के अकाउंट हैं, इन पर आप अपने विषय मुद्दे भेज सकते हैं, जिनको हम अपने इस कार्यक्रम में लेंगे और आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।